सेना ने कॉम्बैट पावर को बढ़ावा देने के लिए परिवर्तनकारी सुधारों की योजना बनाई है। आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के दौरान सेना के शीर्ष कमांडरों ने भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए कॉम्बैट पावर क्षमता को बढ़ाने के लिए एक विशेष संगठन बनाने का निर्णय लिया है। इस मौके पर सेना के वरिष्ठ नेतृत्व ने सुरक्षा संबंधी व्यापक पहलुओं पर विचार मंथन किया। क्षमता विकास के लिए प्रौद्योगिकी और नवाचार का लाभ उठाना, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी को बढ़ाना, उभरते सुरक्षा और मानव संसाधन संबंधित मुद्दों को संबोधित करना शामिल है। एनएसए अजीत डोभाल ने कजाकिस्तान में ईरान के सुरक्षा अधिकारी अली अकबर अहमदियान के साथ बातचीत की। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कजाकिस्तान में ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद एसएनएससी के सचिव अली अकबर अहमदियान के साथ चर्चा की। नई दिल्ली में ईरानी दूतावास ने एक बयान में कहा, दोनों देशों के सुरक्षा अधिकारियों ने सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में तेहरान और नई दिल्ली के बीच सहयोग पर चर्चा की। वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने प्रशिक्षण उड़ान के दौरान लद्दाख में आपात लैंडिंग की। भारतीय वायुसेना के अपाचे हेलीकॉप्टर ने लद्दाख में आपातकालीन लैंडिंग की और ऊबड़ खाबड़ इलाके और अधिक ऊंचाई के कारण क्षतिग्रस्त हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक विमान में सवार दोनों पायलट सुरक्षित हैं। ये घटना भारतीय वायुसेना के चिनूक MI-17 और ALH हेलीकॉप्टरों द्वारा आपातकालीन लैंडिंग सुविधा ELF ड्रिल के हिस्से के रूप में कश्मीर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग के एक हिस्से पर उतरने के कुछ दिनों बाद हुई, जो जम्मू कश्मीर में इस तरह का पहला अभ्यास था। फिलीपींस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित करेगा। फिलीपींस, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करेंगे। फिलीपींस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया एशिया प्रशांत क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए सैन्य संबंधों को गहरा कर रहे हैं। यह अभ्यास रविवार को दक्षिण चीन सागर में आयोजित किया जाएगा। भारतीय नौसेना का P-8I विमान द्विपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास के लिए जापान पहुंचा। भारतीय नौसेना ने को कहा कि उसका P-8I विमान पनडुब्बी रोधी युद्ध ASW और जापान मैरिटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स JMSDF के साथ विषय विशेषज्ञ आदान प्रदान के लिए जापान के अत्सुगी में पहुंच गया है। DRDO ने अग्नि मिसाइल के प्राइम वर्जन का सफल परीक्षण किया। नई पीढ़ी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का ओडिशा के तट पर स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड और DRDO के द्वारा सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है। परीक्षण ने विश्वसनीय प्रदर्शन करते हुए सभी परीक्षण के स्टैंडर्ड DS को पूरा किया। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आकाश तीर प्रणाली को शामिल करना शुरू कर दिया है। भारतीय सेना ने अपनी वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी आकाश तीर प्रणाली को शामिल करना शुरू कर दिया है। यह सेना को युद्ध क्षेत्रों में निचले स्तर के हवाई क्षेत्र की निगरानी करने और जमीन आधारित वायु रक्षा हथियार प्रणालियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने में सक्षम बनाएगा। सो व्यूअर्स, आइए देखते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। निम्नलिखित में से किस मिसाइल का हाल ही में DRDO द्वारा परीक्षण किया गया? निम्नलिखित में से कौन सी वायु रक्षा प्रणाली को हाल ही में भारतीय सेना द्वारा अपनाया गया है? भारतीय नौसेना के निम्नलिखित में से किस जेट को पनडुब्बी रोधी अभ्यास के लिए जापान भेजा गया है? अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में भेजें।